सुप्रभात कक्षा दूसरी। आज हम हिंदी का पाठ 5 शीर्षक वरदान कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस कविता की आपको रीडिंग करनी है एक एक लाइन की। तो अभी हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, इसके बाद आप भी इसकी रीडिंग करेंगे। तो देखिए कविता। कल सपने में मुझको मिले थे भगवान, सुंदर रूप सजाए आ बैठे वह मेरे पास। बोले प्यार से गोद में लेकर, मांगो क्या तुम्हें चाहिए? टॉफी चाहिए, टॉफी दूंगा। मांगो कुछ भी, सब कुछ दूंगा, है सब मेरे बस की बात। झटपट उतर गोद से उनकी, जोड़े मैंने दोनों हाथ। एक जादू का शीशा भगवान, दे दो मुझको तुम बताओ। तब भगवान ने हाथ घुमाया, झटपट एक शीशा नजर जो आया। लेकर शीशा बोली, मैं ओ जादू के शीशे, दिखा इसमें तू सब संसार। तब शीशे का रंग बदला, आया उसमें नजर सब साफ। टूटी चूड़ियां, रोते बच्चे, बिलख रहे थे बूढ़े बाप। शीशे का रंग देख कर भगवान बोले, यह सब क्या है? मैं बोली, यह तेरी दुनिया, जहाँ रहते आतंकवादी हैं, क्या तू इनका भी रखवाला है? नहीं चाहिए टाफी मुझको, नहीं चाहिए पान, दे दो सबको ज्ञान दया का, दे दो मुझको यह वरदान। तो बच्चों यह कविता लिखा है विभा गुमैया शर्मा ने, ये इसकी कवित्री है, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची की भावना के बारे में बताया है। तो देखिए एक छोटी सी बच्ची ने सपने में जब भगवान को देखा तो भगवान से उसने क्या मांगा। तो देखिए एक छोटी सी बच्ची जब रात में सो रही थी तो उसने रात में सपना देखा। सपने में क्या देखा? कल सपने में मुझको मिले थे भगवान, सुंदर रूप सजाए आ बैठे वह मेरे पास। बच्ची, छोटी सी बच्ची जब सो रही थी तो उसने सपने में देखा कि भगवान एक सुंदर सा रूप धारण करके उसके पास आए और बैठ गए। बोले प्यार से गोद में लेकर, मांगो क्या तुम्हें चाहिए? टॉफी चाहिए, टॉफी दूंगा। और उस बच्चे को भगवान ने प्यार से गोद में बैठाया और उससे बोला कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? टॉफी चाहिए, मैं तुमको टॉफी दे दूंगा। मांगो कुछ भी, सब कुछ दूंगा, है सब मेरे बस की बात। टॉफी चाहिए तो मैं तुमको टॉफी दे दूंगा, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो वह भी मैं सब तुमको दे दूंगा। झटपट उतर गोद से उनकी, जोड़े मैंने दोनों हाथ। जब भगवान ने उससे ऐसा कहा तो बच्ची जल्दी से भगवान की गोद से उठी और भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और भगवान से वो बोलने लगी, क्या? एक जादू का शीशा भगवान, दे दो मुझको तुम वरदान। हे ईश्वर, हे भगवान, आप मुझे वरदान में एक शीशा दे दीजिए। तब भगवान ने हाथ घुमाया, झटपट एक शीशा नजर छुपाया। जैसे ही बच्ची ने कहा उसी वक्त भगवान ने अपना एक हाथ ऐसे घुमाया, उनके हाथ घुमाते ही झट से एक शीशा उसके सामने आ गया। लेकर शीशा बोली, मैं ओ जादू के शीशे। उस बच्ची ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर शीशों को अपने आंख के सामने लाया और उसको देखकर बोलने लगी, ओ जादू के शीशे, दिखा इसमें तू संसार। अब मुझे ये जो शीशा है, ये जादू का जो शीशा है, हे जादू के शीशे, इसको बोल रही है भगवान को, हे जादू के शीशे, दिखा इसमें तू सब संसार। अब इस शीशे के अंदर मुझे पूरा संसार दिखा दो, आप संसार में क्या हो रहा है सारा कुछ मुझे दिखा दो। तब शीशे का रंग बदला, आया उसमें नजर सफा। जब बच्ची ने ऐसा कहा उसी वक्त जो शीशे का रंग था वो बदल गया और उस शीशे के रंग में क्या आया? टूटी चूड़ियां, रोते बच्चे, बिलख रहे थे बूढ़े बाप। उसने शीशे के अंदर क्या देखा? लोगों की टूटी हुई चूड़ियां, छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे थे, बिलख रहे थे बूढ़े बाप, जो बूढ़े माता
माता पिता थे वो अपने बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, तड़प रहे थे। शीशे का रंग देखकर भगवान बोले, यह सब क्या है? जब शीशे ने सारा कुछ दिखाई दे रहा था तो उस बच्चे से भगवान ने पूछा, ये सब क्या है शीशे में? तो उस बच्चे ने क्या कहा? मैं बोली, यह तेरी दुनिया जहाँ रहते हैं आतंकवादी। उस बच्चे ने भगवान से क्या बोला कि हे ईश्वर, ये सब तेरी ही दुनिया है, तेरी ही रचाई की दुनिया है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है। इसी दुनिया में हो रहे हैं आतंकवादी लोग जो सबके साथ गलत कर रहे हैं। क्या तू इनका भी रखवाला है? जो लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, सबको बर्बाद कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, क्या आप उनकी भी रक्षा करते हैं? नहीं चाहिए टॉफी मुझको, नहीं चाहिए पान। वो बोलती है भगवान से, हे भगवान, मुझे ना तो टॉफी चाहिए ना ही मुझे पान चाहिए। दे दो सबको ज्ञान दया का, दे दो मुझको यह वरदान। आप मुझे वरदान देना चाहते हैं? वरदान का मतलब समझते हो? वरदान जो खुश होकर अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा से किसी को कुछ दे, वो कहलाता है वरदान। तो बच्ची क्या बोल रही है भगवान से? भगवान, ना तो मुझे टॉफी चाहिए ना पान चाहिए। अगर आप मुझे कुछ वरदान में देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि आप संसार के सभी लोगों को दया का ज्ञान दे दीजिए जिससे सबका भला हो जाए। तो इस कविता के माध्यम से एक छोटी सी बच्ची ने भगवान से क्या प्रार्थना करी है। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो सबके लिए उसने मांगा कि ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा दया कीजिए सबके मन के अंदर कि कोई भी ऐसा गलत काम ना करे, सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें। तो इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई चीज मिल रही है तो हमें ऐसी चीजें मांगे जिससे सबका भला हो। धन्यवाद।